सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। बिग बॉस सीजन 13 फेम पारस छाबड़ा ने हाल ही में अपना एक सपना पूरा कर लिया है। पारस हमेशा से ही अपनी माँ के लिए वृंदावन में घर खरीदना चाहते थे और उनका ये सपना अब हकीकत में बदल चुका है। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। एक्टर ने अपने नए घर और गृह प्रवेश की झलकियां सोशल मीडिया पर हाल ही में शेयर की हैं। पारस ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर गृह प्रवेश की तस्वीरें शेयर की हैं। एक तस्वीर में एक्टर मंदिर के सामने पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य फोटो में पारस की मां ब्लू कलर के सोफे पर अपनी एक दोस्त के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एक तस्वीर में पंडित गृह पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों में ऐसा देखा जा सकता है कि पारस का घर बेहद ज़्यादा शानदार है। व्हाइट थीम हाउस में ब्लू कलर के काउचेस लुक को काफ़ी ज़्यादा क्लासी बना रहे हैं, यानी कि वृंदावन में पारस छाबड़ा जो हैं अपने सपनों का महल खरीद चुके हैं। आपको ये बता दें कि दीवारों को भी आर्टिस्टिक चीज़ों से सजाया गया है। इसके अलावा पारस छाबड़ा इन दिनों माहिरा शर्मा के साथ अपने ब्रेकअप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं। माहिरा और पारस का रिश्ता बिग बॉस सीजन 13 में शुरू हुआ था। दोनों शो के बाद भी गुपचुप तरीके से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि पारस ने इन खबरों पर रिएक्शन दिया कि उनका माहिरा से कोई रिश्ता नहीं है, वहीं माहिरा इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पारस तो यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों केवल अच्छे दोस्त हैं। हालांकि पारस ने एक बात जरूर कबूली है कि दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही थी जब से दोनों मुंबई आ गए थे, यानी कि माहिरा 15 या 16 तारीख को मार्च में मुंबई आई थी जबकि पारस 1 अप्रैल को मुंबई आए थे। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़िए इंडिया न्यूज़ के साथ। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।